हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही ऑसम सेटअप जिसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होने वाले हैं। जैसे कि आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बहुत इजी सेटअप है। आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी जिसके ब्रेकआउट पे अपने को ट्रेड लेनी है। दिन के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगी सेटअप से, और मंथ के एंड में आप निफ्टी 50 से 1500 प्लस पॉइंट्स अचीव कर पाएंगे। साथ में बैंक निफ्टी में आप 2000 प्लस पॉइंट्स अचीव कर पाएंगे। तो बिना कोई टाइम खराब किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट ओपन कर लेना है, उसके बाद कैंडल्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर लेना है। ये वाला सेटअप ओनली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है। फ्रेंड्स, अपने को जो चीज़ नोटिस करनी है वो है फर्स्ट रेड कैंडल ऑफ 5 मिनट, मतलब जो दिन की पहली रेड कैंडल बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे आज 17 अगस्त 2022 को देखिए, सबसे फर्स्ट वाली कैंडल ही रेड कैंडल थी, 9:15 वाली। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। उस कैंडल के एक तो हाई पे रख देनी है, दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमें रखनी है उसके लो पे। अब हमें वेट करना है जिस भी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट वाली कैंडल, जो रेड कैंडल है उसका लो। अगर ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलने पर हम लो लगा देंगे उसका स्टॉप लॉस, और अगर नीचे की तरफ आपको मिलता है तो उसका हाई लगा देंगे हम स्टॉप लॉस। देखिए, यहाँ पे 17 अगस्त को यहाँ पे उसका हाई ब्रेकआउट हुआ था, तो इसकी क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है। इसकी क्लोजिंग हुई थी 17871 पे, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी थी। ट्रेड को एग्जिट करना है मार्केट जब क्लोज होने वाला होता है 3:27 पे आपको क्लोजिंग कर देनी है, या फिर 3:29 तक भी आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 17871 और क्लोजिंग इसने दिए 17929, मतलब ऑलमोस्ट आपने 58 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव किए थे। अब चलिए पीछे वाले दिन का भी अपन एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाली कैंडल ही रेड कैंडल थी, हाई एंड लो को मार कर दिया। अब देखिए, जैसे ही इसका हाई वाला ब्रेकआउट मिलता है, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो इसकी क्लोजिंग पे हमारी एंट्री थी, तो इसका क्लोजिंग होता है 17801। 17801 से ये हाई बनाता है 17839 का। ये देखिए, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहता है, हिट नहीं होता है यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है 17828 पे। तो 17801 से 17828 पे, मतलब 27 पॉइंट्स हमने यहाँ पे अचीव किए हैं। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ पे। हमने एंट्री खा ली थी, हमने एंट्री ली थी इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपना जो रिस्क था वो यहाँ पे था, क्लोजिंग 801 पे थी, इसका जो लो था वो था 764, मतलब 36 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था, मतलब 37 पॉइंट का अपने पास यहाँ पे रिस्क था 37 पॉइंट का। तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर कर सकते हो आप, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आया यहाँ पे आ गया मार्केट, तो अब यहाँ पे इसका लो देखिए, इसका लो है 17768 पे। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 17768 का आपको लो मिलेगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हमारा है 17761, मतलब 7 पॉइंट का ही डिफरेंस था। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जब इतना क्लोज आ जाता है ना मार्केट, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। मतलब एक ट्रेड तो आपकी ओपन होगी यहाँ से जो आपने क्लोजिंग ली थी, दूसरी ट्रेड आप यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए रिस्क बिल्कुल कम हो चुका है। अगर यहां से ट्रेड हिट भी हो जाती है, मतलब स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो यहां से आपके कितने पॉइंट लेके जाएगा, 37 पॉइंट तो रिस्क के थे और दूसरी ट्रेड के 7 पॉइंट, मतलब 47 पॉइंट्स लेगा आपका रिस्क। लेकिन अगर यहां से ये ट्रेड अगर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, तो यहां पे आपका प्रॉफिट 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगा। एक बार पीछे चलते हैं और बैक टेस्टिंग देख लेते हैं। यहां पे जैसे 12 तारीख को देखिए, 12 तारीख की पहली कैंडल बनी, वो भी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो हमने एंट्री ले ली, तो इसका क्लोजिंग था 620 पे, और 620 से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अपना। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो हमारा लॉस हुआ है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एंट्री थी 620 से, स्टॉप लॉस था हमारा 660, 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट, 40 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। कोई बात नहीं है, अगर जैसे ही आपने नीचे की तरफ ब्रेकअप दिया था मार्केट ने और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है,
और साथ में दोबारा ऊपर की तरफ अगर आपको एंट्री मिल रही है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल रही है, तो आप यहाँ पे दूसरी एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका क्लोजिंग देखिए 17,664 में, अब यहाँ पे लेके छोड़ देना है आपको 664 से। यहाँ पे देखिए हाई कितना बनाया है इसको 724, और यहाँ पे क्लोजिंग देखिए 698। मतलब यहाँ पे देखिए 664 से इसने 698 दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स। तो मतलब इस दिन आप ना तो प्रॉफिट में रहते या फिर लॉस में रहते, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लगता है, थोड़ा डेल्टा डीके होता, इससे ज़्यादा और कुछ आपको लॉस नहीं होता। अगर आप सेलिंग कर रहे होते जैसे आपने यहाँ पे पीई को सेल किया होता, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे पीई को सेल किया होता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था आपको। यहाँ पे पीछे एक और केस देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से फर्स्ट कैंडल ही 9:15 वाली फर्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल थी, तो इसके हाई एंड लो को मार कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उसकी पहली कैंडल इसका ब्रेकआउट दे देती है, तो ब्रेकआउट पे हमें एंट्री ले लेनी है। ब्रेकआउट की प्राइस थी यहाँ पे 17,676, 17,676 से यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग देता है वो होती है 17,638, मतलब ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स यहाँ पे हमने अचीव कर लिए। सेलर्स के लिए तो बहुत ही औसम स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो ऐसे ही और सेटअप्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।